उससे ज्यादा मजेदार होता है। आज हम आए हैं अहमदाबाद के कालूपुर डावर और यहाँ पर तरह तरह की ऑथेंटिक पुरानी और बहुत ही मजेदार जायकेदार रेसिपीज टेस्ट करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और बहुत मजा आने वाला है। बहुत सी चीजें यहाँ पर, एक शाहरुमा के कॉर्नर्स लगे हुए हैं। अगर आप फूडी है तो आपको यहाँ पर वॉक करने में, चलने में, रनिंग करने में, हर चीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। जनरल स्टोर्स, फ्राई सेंटर्स एंड एवरीथिंग इज एक्सीलेंट हियर। हाइजीन का ख्याल आपको भूलना पड़ेगा, आई नो, बट फॉर लाइफ एक्सपीरियंस, वन टाइम एक्सपीरियंस और मैनी टाइम एक्सपीरियंस, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे, बहुत ही फ्रैंक पीपल है, हमको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है यहाँ पर, और दो पुलिस वाली दीदी भी नहीं है यहाँ से। मास्क हमने पहना नहीं है क्योंकि अहमदाबाद में मास्क का रूल चले गया है। यहाँ देखिए कितने सारे स्टोर्स हैं एंड ये टावर दिखाइए, टावर कितना ब्यूटीफुल है। इस टावर की वजह से ये प्लेस फेमस है, इसलिए इसका नेम भी इस टावर के ज़रिए से रखा गया है, कालूपुर टावर। दिस इज़ ऑथेंटिक कालूपुर टावर, जिसके नाम से लोग यहाँ पर आ गए और जिसके नाम से लोग यहाँ पर खाने के लिए फेमस है। आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे फ्राई सेंटर्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में लोग तवा बोलते हैं, बारह हंडी बोलते हैं, एंड यूजुअली वहाँ ऐसा माना जाता है कि 12 से ज़्यादा डिशेज, स्पेशली 12 डिशेज, जो उनकी जो बेसिक अच्छी बेस्ट में बेस्ट आइटम्स होती है, उस वजह से उसको 12 हंडी कहा जाता है। और बाकी तंदूर का तो आपको पता ही है, तंदूरी रोटीज, नान्स एंड बटर नान्स एंड एक्सेट्रा, एवरीथिंग, यू नो। और अगर 12 हंडी से और आगे जाएंगे तो बहुत सारे हेरिटेजेस एंड मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जो देखकर आपको मज़ा आ जाने वाला है। और हम रास्ते में, अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, हमने रास्ते में एक सीधी सीधी की जाली, जो अहमदाबाद की बहुत फेमस है, उसका शॉर्ट भी एक अंदर एड किया हुआ है हमने। बाकी जो मोस्टली फेमस जगह है वो खाने के लिए है। तो चलिए आपको अगर हम आगे खाने के शॉट दिखाते हैं और सीधा खाने के वक्त पे मिलता है। सुना अने जारी 12 हंडी, नूरानी 12 हंडी, इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत पुराने हैं और लोग बहुत जानते हैं, आसपास में पूरे अहमदाबाद में फेमस है बेसिकली, और जो अहमदाबाद को विज़िट करता है लोग उसको खाने आते हैं। और चार पीढ़ी से चल रही है ये, और अभी जो ओनर है, जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे
उन्होंने बताया कि वो फोर्थ उनके जनरेशन के फोर्थ व्यक्ति है जो चला रहे हैं, उनके परदादा दादा पापा और वो अब फोर्थ इंसान है। और यहाँ के जो फेमस आइटम है वो आपको खाकर दिखाएंगे और उसके रिव्यूज़ भी आपको देंगे, तो आप बने रहिए। अब हमको मिलते हैं सीधा खाने के वक्त। बाराहंडी जो है वो इतना बिजी है कि सुबह का जो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो खाना है वो भी अभी से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली जो बाराहंडी है वो सुबह के लिए बहुत फेमस है, दोपहर के लिए भी बहुत फेमस है और शाम के लिए तो आपको जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कल सुबह के लिए इन्होंने अभी से प्रिपरेशन चालू कर दिया, इतना बिजी और बिल्कुल पुराने स्टाइल में। आप यहाँ आओगे तो इतना क्लासिक फील होगा आपको, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है, ऐसी फीलिंग आपको नहीं मिलने वाली। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 50-60 साल बल्कि पूरी ज़िंदगी भर ये तो ऐसा ही रहने वाला है। और इतनी ऑथेंटिसिटी अगर आपको देखने मिलती है वो भी इतने पुराने शहर में, मतलब अहमदाबाद देखना चाहे तो बहुत ही डेवलप्ड शहर हो चुका है, ऑलमोस्ट डेवलप्ड शहर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट में है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस सिटी। बट ये ऑथेंटिसिटी देख कर तो भाई दिल में जो सुकून मिलता है वो कभी नहीं मिलेगा। अब दिखाई आप खुद देखिए अपनी आंखों से। ये सब आप देख सकते हैं, ये सुबह के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही है, इतना बिजी है, इतनी बिजी स्केड्यूल है। अगर राइट साइड आप देखोगे तो अभी शाम के लिए कुक हो रहा है, बट ये सारी चीज़ें कल सुबह के लिए प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि सुबह में इनको इतना टाइम नहीं मिलेगा। और हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे और जिस चीज़ की नाम सुनकर, जिस चीज़ से ये फेमस है एरिया कालूपुर टावर बाराहंडी, उसी के बाहर हमें एक बहुत ही फेमस जूस कॉर्नर मिला है और हमारे सज्जाद भाई हमें यहाँ पर मिले हैं। बहुत ही शानदार किस्म के इंसान है ये। हम यहाँ चल रहे थे और इन्होंने बस बताना शुरू कर दिया हमें जी, और बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इस एरिया की बहुत अच्छी है, आपको लोग बहुत अच्छे। फिलहाल आप जूस पी रहे हैं, जूस यहाँ का फेमस है। ये खोपड़े का है, खोपड़े का है, मैंगो का है, अंजीर है, खोपड़े का जूस है, अंजीर का जूस बहुत फेमस है यहाँ पर, मैंगो सब मिक्स है, सब क्वालिटी से मिलेगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जूस आपको मिलेगा। मैं टेस्ट करके यहाँ वेज नॉन वेज सब मिलेगा आपको इस तरफ में। ओके, इसका टेक्सचर बहुत ठीक है, जो बाकी जो जूसेस होते हैं उससे इसका टेक्सचर बहुत ठीक है। मैंने बाहर भी खोपड़े के जूस लिए, बस एकदम ठीक और बहुत ही अच्छा जूस है। आप कितनी बार पी लेते हैं? मैं झूठ तो नहीं बोलता, अपने मेले की दुकान है भाई, जब भी आता हूँ तब पी लेता यहाँ पे। अच्छा। हमारे नाके में हमारा घर है, एकदम फेमस है, बचपन से हम तो यहाँ पीते आए हैं। इसमें सेकरीन ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल है, देखो आपके सामने रखा ना, पूरा फ्रेश मिलेगा। और इस जूस कॉर्नर का नाम है अनवर जूस कॉर्नर, बहुत ही फेमस है, जो बाराहंडी बहुत फेमस है उसी के बाहर है, नूरा की जो बाराहंडी है उसी के बाहर ये जूस कॉर्नर लगा हुआ है और इसका नाम भी बहुत फेमस है अनवर जूस कॉर्नर। सामने खाने के लिए हम बैठ गए आना खाने के लिए और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है जो गोट के जो पाए होते हैं, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है उस चीज़ को हमने ऑर्डर किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाए और दो तंदूरी रोटी हमने मंगा लिया है यहाँ पर, साथ में इन्होंने हमको प्याज पापड़ दिया है और साथ में हमने थम्सअप ऑर्डर कर दी थी। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। और मैं अहमदाबाद में ही बॉर्न हुआ हूँ लेकिन मैंने आज तक यहाँ के पाए नहीं है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा
हम रख रहे हैं। यहाँ पर हमने अच्छा सा बाइट बना लिया और उसको ड्राई रखा। आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो मेरे कि किस चीज के लिए इतने फेमस होंगे। यूजुअली मैंने नॉर्मली अहमदाबाद में और अहमदाबाद के बाहर भी बहुत ज्यादा पाए खाए हैं, कोर्ट के जो पाए होते, बट लेकिन इसका जो जायका है, इसका जो टेक्सचर है, वो दूसरे पाए के कंपैरिजन में थोड़ा ठेका। और यूजुअली जो पाए का ग्रेवी होती है वो ग्रेवी इतनी थिक नहीं होती जितनी थिक इन्होंने बनाई है। और जो फ्लेवर आ रहा है, हर मसाले का फ्लेवर एक अलग जायका दे रहा है इस चीज़, तो उस चीज़ में मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और बाकी अगर आपको ट्राई करना है तो आप खुद आकर ट्राई कर सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इससे। तकरीबन 1965 से चालू है दुकान, और सब जात के आइटम थे, सूप वाली आइटम, फ्राई आइटम, मुगलाई आइटम, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, सब जात की ड्राई मुगलाई सब आइटम मिलती है। और टाइम है सुबह में 7:30 से 10 बजे तक पाया और खीमा मिलता है, और 12 बजे बाद से लेके सब आइटम मिलते 4 बजे तक। अभी शाम को चालू होता है 6 बजे मगरिब बासी, 8 से 11 बजे तक। फेमस क्या क्या? फेमस हमारा दोपहर में कोफ्ता है, फेमस है अफगानी चिकन, अफगानी चिकन है, हांडी चिकन है, चिकन कढ़ाई है, चिकन मसाला है, शाही चिकन है, ये खाता कीजिए ना। और शाम में तवे की आइटम है, मुगलाई आइटम है, पनीर की आइटम है, वेज है, नॉन वेज है। चालू किसने की थी दुकान? चालू हमारे बड़प्पा ने की थी 1965 से। देखो ये चिकन हांडी है, एक चिकन कोरमा है, एक शाही चिकन है, तो चिकन अफगानी है, वो बकरे का रोज चाप भुना है, ये झींगा है पॉन्स, ये बकरे का गुर्दा, ये चिकन टिक्का, ये बकरे की चाप, रोटी है, खिचड़ी है, तंदूर रोटी है, चपाती रोटी है, मुगला आइटम है, इधर मुगला आइटम मिलती है। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।